तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू संजीव गेमिंग। और आज हम लोग बात करने वाले हैं माइनक्राफ्ट में लाइटमैटिक और स्कैमैटिक को कैसे इंस्टॉल करके उसको यूज कर सकते हैं। अब आपको ये नहीं मालूम कि लाइटमैटिक और स्कैमैटिक होता क्या है, तो उसका मैं डेमो छोटा सा बता दे रहा हूँ कि आपको वीडियो में भी इंटरेस्ट आ जाए और आप लोग पूरा वीडियो देखो भी और सीखो भी और उसको यूज भी करो। तो गाइस, लाइटमैटिक स्कैमैटिक से क्या होता है ना, जैसे आपने ये नया वर्ल्ड बनाया, जैसे कि ये वर्ल्ड मैंने अभी अभी जस्ट बनाया आप लोग को दिखाने के लिए, तो इस वर्ल्ड में अभी कुछ भी नहीं है, पर मेरे को अभी यहाँ पे महल बनाना है, पर उससे लिए बहुत टाइम लगेगा। बट आपके किसी और सर्वर में महल बनाए या फिर किसी और के सर्वर में, तो आप बस उसको बनाने नहीं है, तो आप चाहो तो उसके सर्वर में जाके उसको कॉपी करके अपने सर्वर में बस पेस्ट मार सकते हो। डेमो देख रहे हैं, ये देखो, जैसे कि मैंने एक महल अपने पुराने सर्वर में बनाया था, तो उसको मैंने कॉपी कर लिया। उसके बाद बस मेरे को एम दबाना है और यहाँ पे लोड स्कीमेटिक पे जाना है। ये कैसल मैंने कैसल वन नाम से मैंने उसको कॉपी करके रखा है। अब इसको मैं क्लिक करूंगा और लोड स्कीमेटिक्स पे क्लिक करूंगा। इसके बाद ये देखो, मेरा महल का लेआउट बनके तैयार हो चुका है। अभी ये बना नहीं है, अभी इसके आर पार देखोगे तो मैं जा सकता हूँ, क्योंकि ये बस लेआउट है। अगर आपको चीटिंग नहीं करना है, सर्वाइवर में खेलना है, तो आप ऐसे बस लेआउट बना सकते हो और उसके ऊपर जो जो ब्लॉक लगा है उस ब्लॉक को आप सर्वाइवर में रख रख के खुद से बना भी सकते हो। बट क्रिएटिव में तो ये चुटकी का खेल है। जैसे मैं चुटकी में लेआउट बना लिया, वैसे चुटकी में मैं बस एक बटन ऐसे प्रेस किया और आप देखो मेरा सारा का सारा महल रियल में यहाँ बन के एकदम तैयार हो जाएगा। लोड होने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट जैसे आप थोड़ा वेट करोगे देखोगे आपका पूरा का पूरा महल जो आपने कॉपी किया है किसी और सर्वर से, और देखो इस महल के अंदर मैंने यहाँ पे आयरन फार्म भी बनाया था, तो आयरन फार्म भी मेरा कॉपी हो चुका है। बट आयरन फार्म के अंदर जो विलेजर्स हैं, वो ज़ॉम्बी हैं, वो नहीं है, तो वो आप यहाँ पे अलग से स्पॉन कर दो, तो आपका आयरन फार्म भी एकदम वर्किंग होने लगेगा। और वैसे ही हमारा महल के अंदर जो जो चीज मैंने बनाया था सेम टू सेम वैसा ही बनाया, बस महल के अंदर अगर आप चेस्ट में कोई सामान रखोगे तो वो सामान नहीं होगा बट चेस्ट वहां पे होगा। तो चलिए, डेमो तो मैंने काफी खतरनाक वाला आपको दिखा दिया, बट अब आपको ये बताता हूँ कि आखिर इसको इंस्टॉल कैसे करना अपने माइनक्राफ्ट में और इसको यूज कैसे करना प्रॉपर बताता हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा होगा तो वीडियो को पूरा देखना। और इसी को किसी भाई ने मेरे को कमेंट में बताया था बनाने को, तो मैंने इसको सीखा, पहले सीखने में मेरे को बहुत टाइम गया। तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक छोटा सा कमेंट जरूर करना। तो चलिए टाइम पास ही करते हैं, डेमो देख लिया, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। तो गाइस, इसको अपने माइनक्राफ्ट में इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आपको ये चार फाइल चाहिए होंगे, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आप वहां पे जाओगे और एक एक लिंक खोलोगे, तो पहला लिंक होगा लाइटमैटिक का, जो ओपन करोगे जिस पे क्लिक करके ओपन करोगे तो कुछ ऐसा पेज ओपन होगा। तो आपको यहाँ पे फाइल पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको गेम वर्जन जो दिख रहा है, तो 1.19.4 नहीं, लेटेस्ट वाला में अभी थोड़ा ग्लिच है, बग है, तो लेटेस्ट कोई भी यूज मत करना। 1.19.2 वाला जो है उसको यहाँ पे आप क्लिक करना है, 3 डॉट पे, और यहाँ पे आप डाउनलोड फाइल पे क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। यहाँ से आपको इजिली डाउनलोड भी हो जाएगा और ऊपर से आपको यहाँ फिर डाउनलोड नाउ पे क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे डाउनलोड होने भी लगेगा। ये देखो, फिर मैंने यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक किया और थोड़ा सा लोड हुआ और यहाँ पे मेरा डाउनलोड हो गया। तो आपको बस ऐसे जो भी मैंने लिंक दिया उस लिंक पे क्लिक करना है और आपको ऐसे हर एक को डाउनलोड कर लेना है। फिर आप सेकंड लिंक पे जाओगे तो ये मालीलिप का लिंक होगा, इस पे भी आपको फाइल पे जाना है और 1.19.2, ये देखो गेम वर्जन यहाँ पे भी लिखा हुआ है, तो गेम वर्जन का 1.19.2 जो ये वाला है इसको ही डाउनलोड करना है। अगर आप एक 1.19.2 डाउनलोड करते हो और बाकी सब 19.3 या 19.4 कर लेते हो तो काम नहीं करेगा, गेम क्रैश हो सकता है। तो आप हर एक फाइल जो भी डाउनलोड करना 1.19.2 करना, 19 लेटेस्ट वाले में मत जाना, उसमें बहुत सारे ग्लिच है। तो ये देखो मालीलिप फैब्रिक भी जो है ये भी मेरा डाउनलोड हो गया, लाइटमैटिक जो है वो भी डाउनलोड हो गया। ठीक, इसके बाद हमको फैब्रिक एपीआई का एक है, इसको भी यहाँ पे आपको जाना है, यहाँ पे आपको फाइल पे क्लिक करना है और यहाँ भी जो आपको गेम वर्जन में 1.19.2 दिखेगा यहाँ पे देखो नीचे में, तो आपको यहाँ पे ऐसे क्लिक करना है और डाउनलोड फाइल पे क्लिक करके इसको भी डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे रुकोगे तो आपको कुछ भी नहीं करना, थोड़ा वेट करो, ये 10 सेकंड या 5 सेकंड का टाइम है और यहाँ पे ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएगा। तो मेरा फैब्रिक डाउनलोड हो गया, मालीलिप डाउनलोड हो गया, लाइटमैटिक भी डाउनलोड हो गया। अब बस एक लास्ट ये वाला इंस्टॉलेशन फॉर माइनक्राफ्ट लॉन्चर है, इसको बस आपको डाउनलोड फॉर विंडो पे क्लिक करना है और ये आपका डाउनलोड हो जाएगा। बस ये चार फाइल डाउनलोड करना है, एक एक्स्ट्रा डाउनलोड होगा जो कि काम नहीं आएगा। ठीक, तो ये जब चारों डाउनलोड हो जाए तो ऐसे आपका डाउनलोड वाले फाइल में डाउनलोड होगा, तो आपको यहाँ पे ऐसे इसको सिलेक्ट करना है और कॉपी करके आपको किसी अलग फाइल में उसको पेस्ट कर देना है। जैसे मैंने यहाँ पे एक तो स्कीमेटिक बोल के फोल्डर बना के उसमें पेस्ट कर दिया है। इसके बाद आपका सबसे पहला काम है, ये जो फैब्रिक इंस्टॉलर है इस पे आपको डबल क्लिक करना है और जब डबल क्लिक करोगे तो आपको इंस्टॉलेशन का प्रोसेस आएगा। तो आपको ये जो माइनक्राफ्ट वर्जन है इसमें आपको बस 1.19.2 सिलेक्ट करना है और आपको इंस्टॉल पे क्लिक करके इंस्टॉल कर लेना है। जैसे आप क्लिक करोगे 20 से 30 सेकंड में आपका इंस्टॉल हो जाएगा, मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है तो मैं इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ। ठीक, ये इंस्टॉल करने के बाद आपका इसका काम कंप्लीट हो गया, आप इसको रखना है तो रखो, डिलीट करना है तो डिलीट करो। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपने कीबोर्ड में विंडो प्लस आर का बटन एक साथ प्रेस करना है और उसमें लिखना है परसेंटेज
ऐप डाटा परसेंटेज लिख के ओके करना है। जैसे आप ओके करोगे तो एक नया फोल्डर खुल जाएगा जिसमें आपको डॉट माइनक्राफ्ट पे क्लिक करना है, और उसके बाद आपको यहाँ पे एक मॉड का फोल्डर होगा। अगर नहीं होगा तो आपको यहाँ पे न्यू सर्वर न्यू फोल्डर करके आपको एक मॉड नाम का फोल्डर बना लेना है। सब स्मॉल में स्पेलिंग होना चाहिए। फिर मॉड के अंदर जाना है और ये जो तीन फाइल है फैब्रिक एपीआई लाइटमेटिक और मेलीव इन तीनों को इसमें पेस्ट कर देना है। तो जैसा कि आप लोग ऑलरेडी देख पा रहे हो लाइटमेटिक मेलीव और फैब्रिक एपीआई ये तीनों मेरा ऑलरेडी पेस्ट है तो मैं पेस्ट नहीं कर रहा हूं। आपको बस सिंपली ऐसे कॉपी करना है यहाँ से और वहां पे पेस्ट कर देना है। बस इतना करने के बाद आपका इंस्टॉलेशन हो चुका है, कोई टेंशन नहीं है, सब काम कंप्लीट है। ठीक, तो इसके बाद आपको सीधा माइनक्राफ्ट लॉन्चर खोल लेना है। अगर आप टी लॉन्चर में खेलते हो तो टी लॉन्चर ओपन करो, माइनक्राफ्ट लॉन्चर यूज करते हो, माइनक्राफ्ट खरीदे हो तो माइनक्राफ्ट लॉन्चर ऑन कर लो। टी लॉन्चर में भी काम करेगा और इसमें भी काम करेगा। तो जब आपका माइनक्राफ्ट लॉन्चर या टी लॉन्चर ऑन हो जाए उसके बाद अगर आप माइनक्राफ्ट लॉन्चर में हो तो आपको यहाँ पे गेम सिलेक्ट का कौन सा वर्जन आपको खेलना है वो सिलेक्ट करने का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पे आपको ऑलरेडी सिलेक्ट होगा फैब्रिक लोडर 1.19.2, इसको आपको सिलेक्ट करना है। अगर आप टी लॉन्चर में भी हो तो आपको नीचे में देखना गेम वर्जन सिलेक्ट करने का ऑप्शन आता है। तो वहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्ट होगा फैब्रिक लोडर 1.19.2, अगर नहीं होगा तो आपको सिलेक्ट कर लेना है क्लिक करके, और उसको सिलेक्ट करके आपको प्ले पे क्लिक कर देना है और अपना लॉन्चर ऑन कर देना है। टी लॉन्चर है तो वो ऑन करना है, लॉन्चर है तो वो ऑन करना है। ठीक, उसके बाद जब आपका गेम ओपन हो जाए तो उसके बाद आपको अपना सर्वर ज्वाइन करना है। जी सर्वर में से भी आपको कॉपी वगैरह पेस्ट वगैरह करना है, वो सर्वर ज्वाइन करो। ये तो मैंने आपको ऑलरेडी अभी करके दिखाया, पेस्ट करके दिखाया। कॉपी वगैरह कैसे करते हैं और पेस्ट भी कैसे करते हैं वो मैं डिटेल में बताता हूँ। ठीक, थोड़ा ये सर्वर को लोड होने दो। देखो वहाँ पे विलेज है, तो विलेज के किसी घर को कॉपी करता हूँ आप लोग के सामने और फिर उसको दिखाता हूँ। ठीक, तो ये देखो ये हमारा विलेज है। ठीक, तो इस विलेज को एक काम करते हैं, पूरा विलेज को भी हम चाहे तो कॉपी कर सकते हैं या फिर हम चाहे तो किसी एक घर को भी कॉपी कर सकते हैं। तो समझ लो कि मैं इस वाले घर को कॉपी करता हूँ। ठीक, तो इस घर को कॉपी करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली जैसे ये घर का आपको इस ब्लॉक से आपको कॉपी करना है तो इस ब्लॉक पे आना है, आपको एम बटन दबाना है। एम बटन और कीबोर्ड के एम दबाओगे तो आपका इसका मेनू लाइटमेटिक का जो मेनू होगा वो ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको एरिया सिलेक्शन ब्राउजर पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको न्यू सिलेक्शन करना है, जब भी आप नया कुछ कॉपी करना है तो उसके लिए पहले आपको एरिया सिलेक्शन में जाना है और न्यू सिलेक्शन पे क्लिक करना है और इसका एक नाम दे देना है। तो मैं यहाँ पे विलेज हाउस HOUSE हाउस कोड लिख देता हूँ। ठीक, इसको लिख के मैं ओके करता हूँ और उसके बाद आपको बैक आना है, और फिर बैक आने के बाद अगर ये आपका सिंपल में है तो इस पे आपको क्लिक करके नॉर्मल कर देना है। जैसे आप नॉर्मल करोगे तो देखो आप जहाँ पे खड़े होके आप ये किए थे वहां पे एक ऐसे ब्लॉक बन जाएगा, तो फिर आपको उसी पे खड़ा होना है और फिर आपको दोबारा एम दबाना है। उसके बाद आपको एरिया एडिटर का ऑप्शन होगा, इस पे आपको क्लिक करना है और उसके बाद जो आपने विलेज हाउस आपने बनाया था सिलेक्ट किया था उसका नाम आ जाएगा, तो उसके कॉन्फिगर पे आपको क्लिक करना है तो कुछ ऐसा ओपन हो जाएगा। तो अगर ये कॉर्नर वन जो है ये अगर इस पे टिक नहीं होगा तो आपको टिक करना है और फिर आपको मूव टू प्लेयर पे क्लिक कर देना है। ठीक, उसके बाद मूव टू प्लेयर पे क्लिक करने के बाद आपको इसके सेकंड कॉर्नर पे जाना है जहां तक आपको कॉपी करना है। ठीक, तो मेरा ये ब्लॉग यहाँ पे खत्म हो रहा है तो मैं इस ब्लॉग तक इसको कॉपी करूंगा, तो यहाँ इस ब्लॉग पे खड़ा होना है और फिर आपको दोबारा से एम बटन दबाना है और फिर एरिया एडिटर में जाना है और फिर कॉन्फिगर में जाना है और इस बार आपको इस कॉर्नर पे नहीं इस कॉर्नर पे फिर टिक मारना है और फिर आपको मूव टू प्लेयर पे क्लिक कर देना है। जैसे आप मूव टू प्लेयर पे क्लिक करोगे तो आपने जो भी एरिया पूरा सिलेक्ट किया था वो टोटल एरिया आप देखो ऐसे सिलेक्ट हो चुका है। ठीक, बट अभी ये क्या है, बस ये नीचे का एक ब्लॉक सिलेक्ट हुआ है, पूरा घर सिलेक्ट नहीं हुआ है। तो पूरा घर सेलेक्ट करने के लिए आपको दोबारा से यहाँ पे एम दबाना है और उसके बाद एरिया एडिटर में जाना है, कॉन्फिगर में जाना है, और उसके बाद जो ये कॉर्नर टू का वाई वाला है इसको अगर आप लेफ्ट क्लिक करोगे तो अप होगा, राइट क्लिक करोगे तो नीचे होगा। जैसे आप देख पा रहे हो उधर में पीछे में देखोगे तो मैं लेफ्ट क्लिक कर रहा हूं तो ये हाइट उसका अप हो रहा, तो आपको अपने हिसाब से इतना हाइट में देखो मेरा पूरा कवर हो रहा है तो ठीक है, अगर हाइट कम करना है तो आप राइट क्लिक करोगे तो कम हो जाएगा। ठीक, तो मैं इतना ले लेता हूँ, पूरा घर हो जाएगा। फिर इसको सिलेक्ट करके आपको बस बैक करना है और एक बार बैक करके देख लेना आपका पूरा सब एरिया इसमें इंक्लूड है कि नहीं। तो देखो मेरा पूरा एरिया इंक्लूड हो चुका है, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो बस इसको सिंपली फिर आपको एम दबाना है, आपको एरिया एडिटर पे जाना है, इसको कॉन्फिगर करना है, ये हो गया तो आपको इसको सेट पे क्लिक कर देना है, फिर बैक जाना है और फिर आपको ये सेव स्कीमेटिक का यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, इस पे क्लिक करना है और फिर आपको नाम जो दिख रहा है नाम वही रहने देना है और सेव स्कीमेटिक पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव स्कीमेटिक पे क्लिक करोगे ये देखो विलेज हाउस फोर्ट बोल के मेरा ये सेव हो चुका है, मतलब मैंने कॉपी कर लिया, मेरा कॉपी कंप्लीट हो गया है। ठीक, तो बस ये कॉपी इतना इजीली है, बस अगर आपको थोड़ा समझ में नहीं आया तो आप फिर वीडियो को बैक करके रिपीट में देखोगे तो एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा। अब ये कॉपी हो गया, आप कॉपी कर लिया, अब आपको पेस्ट कैसे करना है, तो पेस्ट करने के लिए आपको सिंपली समझ लो मेरे को यहाँ पे पेस्ट करना है, तो मैं पेस्ट करने के लिए यहाँ पे मैं पहले नीचे आ जाऊंगा और नीचे आने के बाद मैं दोबारा एम क्लिक करूंगा और अब मेरे को इधर नहीं जाना, अब मेरे को लोड स्कीमेटिक जो मैंने स्कीमेटिक सेव किया उसको लोड करना है। तो लोड पे आप क्लिक करोगे तो ये कैसे लें मेरे को यहाँ पे एक बार पीछे जाऊंगा तो ये देखो यहाँ पे मेरा विलेज हाउस फोर जो मैंने सेव किया था वो दिख रहा, तो इस पे क्लिक करना और लोड स्कीमेटिक पे क्लिक कर देना है। ठीक, ये करते आप देखोगे तो आपको आगे पीछे से आपका
विलेज जो आपने कॉपी किया था वो यहाँ पे पेस्ट हो चुका है। इसके बाद आपको एक स्टिक लेना है, क्रिएटिव में तो क्रिएटिव से ले लो, जहां से लेना है ले लो। आप एक स्टिक हाथ में ले लेना है और उसके बाद आप स्टिक लेने के बाद आप कंट्रोल दबा के, तो माउस का व्हील बटन होता है ना गोल गोल घूमने वाला, आपको कंट्रोल दबा के ऊपर नीचे करोगे तो देखो जो एकदम नीचे में मॉड लिखा है वो चेंज होगा। तो उसको आपको 5 नंबर पे जाओगे ना तो ऐसे पेस्ट स्कीमेटिक इन वर्ल्ड होगा। तो यह 5 नंबर पे जाना है और फिर आपको एक बटन दबाना है जिससे वो पेस्ट होगा, पर वो बटन दबाने के लिए पहले वो बटन आपको हॉट की में सेट करना होगा। तो सेट करने के लिए आपको फिर एम दबाना है और फिर आपको कॉन्फ़िगरेशन मेनू में जाना है, फिर आपको यहाँ पे हॉट की में, अगर आपको यहाँ पे जनरल में रहोगे तो हॉट की में जाना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है EXE। अब आप EXE सर्च करोगे तो एक्सक्यूटिव ऑपरेशन बोल के आएगा, तो आपको यहाँ पे पहले नन होगा तो नन के जगह आपको इस पे क्लिक करना है और जो भी बटन, जैसे मेरे को 7 यहाँ पे लिख जाए तो 7 हो गया, तो इसको मैं रीसेट किया ऐसे नन होगा, तो आपको जो बटन से भी आपको की सेट करना है। जैसे मैं इधर नंबर वाला का इंटर बटन को सिलेक्ट करके रखा हूं, तो इधर इंटर दबाऊंगा तो KP इंटर हो गया, बस काम कंप्लीट। उसके बाद आपको बैक आना है, हाथ में स्टिक लेना है और उसके बाद जैसे आप इंटर दबाओगे आप देखोगे ये जो आपने पेस्ट किया है ये पेस्ट हो जाएगा। पर ये सॉरी देखो मेरा पेस्ट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मॉड में 6 नंबर सेलेक्ट है। तो आपको फिर कंट्रोल और आपको माउस का व्हील बटन से आपको 5 नंबर पे जाना है और उसके बाद आप जैसे इंटर दबाओगे ये देखो आपका पेस्ट हो गया। पेस्ट होने के बाद अभी आप बोलोगे ये बॉर्डर क्यों आ रहा है, ये बॉर्डर हटाना है, तो फिर आपको एम दबाना है, आपको ये जो लोड इसमें इसको रिमूव कर देना है और उसके बाद आपका बॉर्डर हट जाएगा। फिर आपको यहाँ पे जाना है, इसको भी आपको अनलोड कर देना है। फिर आपका अब ये आपको इसको शेरशाह नहीं कर पाओगे, आपका जो बन गया वो बन गया, ठीक। तो ये आपका यहाँ पे एकदम बन के तैयार है, आप यहाँ इजिली कॉपी पेस्ट कर सकते हो। तो इस वीडियो में लाइटमेटिक और स्कीमेटिक को यूज कैसे करना है वो मैंने बता दिया और इंस्टॉल कैसे करना है वो बता दिया, बहुत सिंपल है। बट हाँ अभी भी आपको यूज करने में बहुत दिक्कत आ सकता है, तो जो भी दिक्कत होगा कॉमेंट में बताना। अगर आप लोग ज्यादा कॉमेंट करोगे ज्यादा प्रॉब्लम आएगा, तो इसको यूज कैसे करते हैं इसके ऊपर मैं एक फुल ट्यूटोरियल बता दूंगा जिससे आपको एकदम इजिली समझ में आ जाएगा। बट आई होप इसे भी आपको समझ में आ जाना चाहिए, बट नहीं समझ में आता है तो कमेंट में जरूर बताना और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना। इस वीडियो में मेरे को खासकर ज्यादा मेहनत पड़ा है, मैंने खुद सीखा फिर आपको बताया, और जो भी डाउट है कमेंट में बताओ, लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।